हाँ जी नहीं 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 एक पैर है ना आपकी जो जब जिस सीन में बॉल आएगी ना फोन भी किया था अब अगर आप वापस आते हो एक कर्सी कैप्टन क्यों लेती यही बोल Thank you.
थोड़ा सा ग्राउंड में आ जाओ पक ग्राउंड अब आगे ये तक सोनी शरोय ये तो पता को ये तक शरोय सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको एक मस्जिद पर मेरा नाम इरफान है बहुत अच्छा लग रहा है ये मस्जिद पर बहुत मेहनत की है हमने पिछले एक महीने से मेहनत कर रहे हैं इस मैच के लिए जीत तो होनी थी तो क्या उम्मीद है आगे भी ऐसे ही क्रिकेट खेलने इंशाल्लाह उम्मीद है आगे खेलने के लिए तो क्या चाहते हैं आप फ्यूचर गवर्नमेंट से बस यही कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दीजिए हमारे लिए टूर्नामेंट कर दीजिए जो गर्ल्स में हो जाए कश्मीर में क्या उम्मीद है आपको इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जो नेशनल खेल चुके हैं इंटरनेशनल के लिए क्या आप गवर्नमेंट से इस्तीफा कर रहे हो उसके लिए इंटरनेशनल के लिए मेहनत आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेल सकूँ व्हाट अबाउट टर्फ जो टर्फ है यहाँ पे क्या आपको लगता है टर्फ यहाँ पे अच्छी है कि इससे भी बेहतर होनी चाहिए टर्फ अच्छी है लेकिन इससे भी अच्छी होनी चाहिए थी मैट पे मैच था तो ठीक ही था थैंक यू आज आप हासिल की टूर्नामेंट में कैसा लग रहा है जी बहुत अच्छा लग रहा है हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है एसपी कॉलेज के होम ग्राउंड में एसपी कॉलेज को हराना बहुत बड़ी बात है तो क्या उम्मीद है आपको आगे यहाँ पर कोई मैच होंगे जी इंशाल्लाह होंगे इंटर यूनिवर्सिटी होगा बहुत सारे मैच होने को आ रहे तो अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आपके लिए ताकि यहाँ पर और जी हमारे लिए कोचिंग कैंप्स होने चाहिए अलग से लड़कियों के लिए जो कि यहाँ पर नहीं है कुछ ऐसी भी फीमेल्स है जो क्रिकेट खेलने से डर जाती है तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है जी कुछ लड़कियों को उनका पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो अगर मैं अपनी बात करूं मुझे जी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में तो जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं अपनी बच्चियों को मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे तो हम भी चाहते हैं कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है तो कश्मीर की लड़कियाँ भी चाहती है कि वो अपनी स्टेट को आगे रिप्रेजेंट करें जैसे बाहर की लड़कियाँ करती हैं सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जीते वाली टीम से अब क्या है मैं मेरा नाम जीएस मेहता है मैं फिजिकल डायरेक्टर वुमेंस कॉलेज में रहूँ मेरी वुमेंस कॉलेज की टीम है क्रिकेट टीम है तो कैसा लगा आज आपकी टीम ने जीता बहुत अच्छा लगा मगर थोड़ी सी कमियां अभी भी हमारी टीम के अंदर हैं तो वो हम जो कमियां थी वो हमने नोट की हैं वो आगे जब जाएंगे इनको ट्रेनिंग देंगे वो कमी इनकी दूर करते हैं तो क्या लगता है आपको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे वुमेंस क्रिकेट आगे और बढ़ावा मिले गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टूर्नामेंट्स हैं बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे हाई सेकेंडरी लेवल पे स्कूल लेवल पे जितना वहाँ वो करेंगे उतना ही हमारे पास बच्चे आगे आएंगे क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आते हैं इनके पास कुछ टैलेंट नहीं होता है ये जीरो लेवल पे आते हैं कि कॉलेज जो होता है कॉलेज में जो बच्चा आना चाहिए ये बिल्कुल बना हुआ आना चाहिए ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पर नहीं आता है तो इस वजह से हमें थोड़ी सी बड़ी डिफिकल्टी आती है यहाँ पर बच्चों को बनाने की तो कुछ ऐसी भी है जो घर में बैठ के जो क्रिकेट खेलना चाहती है लेकिन आगे नहीं आती उनके लिए आपको क्या मैसेज मेरा ये मैसेज है कि वो भी क्रिकेट खेलें अगर वो क्रिकेट नहीं खेलते मगर कम से कम स्पोर्ट्स के साथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ वो इन्वॉल्व रहें अपने मोबाइल गैजेट के साथ इन्वॉल्व ना रहें बाकी दूसरी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व ना रहें कम से कम अपने घर में फिजिकली करें अपनी एक्सरसाइज करें रनिंग करें दौड़ें घर में बैडमिंटन खेलें घर में कोई भी ऐसी जो अपनी बॉडी के साथ उनको फिट रहने की कोशिश करें